कल हम लोग हिंदी में इससे पहले कुछ वाक्यांश देखे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इसको खत्म करते हैं। वह कृति जिसमें गद्य और पद दोनों हो, तो क्या कहता है वो? चंपू शैली। वहीं चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली चक्रवात, तो क्या कहलाएगी? चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। जिसके हाथ में चक्र हो, तो चक्रपाणि। चार भुजा वाला यानी चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा, तो कार्य करने की इच्छा चिकित्सा। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी, जो चिरकाल से चला आया हो, तो चिरंतन। जो बहुत समय तक ठहर सके, तो चिरस्थाई। चिंता या चिंतन करने योग्य बात, तो चिंतनीय या चिंत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, तो चिन्हित। चार पैरों वाला चौपाया यानी चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, तो छद्मवासी। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिंद्रान्वेषी। पत्थर को करने वाला औजार छेनी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला यानी जंगम। पेट की अग्नि जठाग्नि। बारात ठहरने का स्थान, तो जनवासा जलवासा। जो जल बरसता है जलद। जो जल से उत्पन्न हो जलज। वह पहाड़ जिसके मुख से आगे निकले, मुख से क्या निकले? आग निकले, तो ज्वालामुखी। जल में रहने वाला जीव जलचर। जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र जनतंत्र। उम्र में बड़ा ज्येष्ठ। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो जादूगर। जिसने आत्मा को जीत लिया हो, तो जितात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय यानी भगवान महावीर। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण, तो जीवन चरित्र। जो जीतने के योग्य हो, जेठ यानी पति का बड़ा भाई का पुत्र, कौन कहलाएगा? पति का बड़ा भाई यानी जेठ का पुत्र, तो जेठ ओत। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, तो जौहर, मतलब पद्मावती ने जो किया था। ज्ञान देने वाली, तो ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु। बहुत गहरा था, बहुत बड़ा प्राकृतिक जला था झील। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, तो टकसाल। बर्तन बनाने वाला ठठेरा। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिढोरा। जो किसी भी गुट में न हो, तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद तंद्रा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, तो तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तपोवन। उसी समय का यानी तत्कालीन वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, क्या कहेंगे उसको? तकावी। जिसमें बाण रखे जाते हैं, तो तर्कस या तुनीर। जो चोरी छिपे माल लाता या ले जाता हो, तो तस्कर। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक। दैहिक दैविक और भौतिक सुख, तो तापत्रय। तापत्रय तैर कर पार जाने की इच्छा तीर्थ। ज्ञान से प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तो तीर्थंकर। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है, तो त्राता। दुखांत नाटक, तो त्रासदी। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने या देखने वाला, तो त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। गंगा जमुना और सरस्वती नदी का संगम त्रिवेणी। जिसके तीन आंखें हैं, तो त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होती है, तो त्रिकुटी। तीन महीने में एक बार त्रैमासिक। जो धरती पर निवास करता हो, तो थलचर। पति और पत्नी का जोड़ा, तो दंपति। 10 वर्षों की समयावधि, उसको क्या कहेंगे? दशक। गोद लिया हुआ पुत्र, क्या होगा? दत्तक। संकुचित विचार रखने वाला, तो दकियानुस। धन जो विवाह के समय पुत्री के पिता से प्राप्त हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? दहेज। जंगल में फैलने वाली आग, उसको क्या कहेंगे? दावानल। दिन भर का कार्यक्रम, तो दिनचर्या। दिखने मात्र को अच्छा लगने वाला, तो दिखावटी। जो सपना दिन यानी दिन में देखता है, तो दिवास्वप्न। जो दो बार जन्म लेने वाला यानी ब्राह्मण पक्षी दांत यानी द्विज। दो बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण पक्षी और दांत को भी क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। जिसने दीक्षा ली हो, दीक्षित। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि, तो दुर्भिसंधि। वह कार्य जिसको
करना कठिन हो तो दुष्कर। दो विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझाने वाला दुभाषिया यानी ट्रांसलेटर, जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गे, जिसको पकड़ने में कठिनाई हो दुर्भिग्रह यानी दुराग्रह, पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा दुर्भगा, जिसे कठिनता से साधा या सिद्ध किया जा सके तो दुसाध्य, जो कठिनाई से समझ में आता है दुर्बोध, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम, जिसमें खराब आते हों दुर्वसनी, जिसको मापना कठिन हो दृश्य परिमेय, जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जे, वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो दुधमुहा, बुरे भाग्य वाला दुर्भाग्यशाली, जिसमें दया भाव हो दयालु, जिसका आचरण बहुत खराब हो बुरा हो दुराचारी, दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धारी, जिसकी प्राप्ति कठिन हो दुर्लभ, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, आगे की बात सोचने वाला दूरदर्शी, देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही, देश से संबंधित दैहिक, देव के द्वारा किया हुआ दैविक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, इसी तरह याद कर लीजिए, धन से संपन्न धनी, जो धनुष को धारण करता हो धनुधर यानी अर्जुन, धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु, गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि, तो धर्मादा, जिसकी धर्म निष्ठा हो धर्मनिष्ठा, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाती, मछली पकड़ कर आजीविका चलाने वाला धीवर, जो धीरज रखता हो धीर, धूरी को आचरण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, तो धुरंधर, अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव, ध्यान करने योग अथवा लक्ष्य यानी ध्येय, ध्यान करने वाला ध्याता यानी ध्यानी, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात, गाय को दूसरे समय बछड़े का गला बांधने वाली रस्सी, बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसको क्या कहेंगे, नवी, जो नया नया आया है नवागंतुक, जिसका उदय हाल ही में हुआ है नवोदित, जो आकाश में विचरण करता है नवचर, सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोढ़ा, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, पुराना घाव जो रिश्ता रहता है क्या कहे नासुर, जो नष्ट होने वाला है नासुरवान यानी नासवर यानी नस्वर, नरक के योग नरकीय, वह स्थान जो दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है तो नापितशाला, किसी से भी न डरने वाला निडर यानी निर्भीक, जो कपट से रहित है निष्कपट, जो पढ़ना लिखना न जानता हो निरक्षर, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, जिसे कोई इच्छा न हो निष्प्रिय, रात में विचरण करने वाला निशाचर, जिसका आकार न हो निराकार, केवल साग फल एवं फूल खाने वाला यानी जो मांस न खाता हो निरामिष, जिसे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद, जिसके अवयव न हो निर्वय, बिना भोजन यानी आहार का निराहार, जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है तो निराशावादी, जो उत्तर न दे सके तो निरुत्तर, जिसके कोई दाग या कलंक न हो तो निष्कलंक, जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो तो निष्कंटक, जिसका अपना कोई शुल्क न हो तो निःशुल्क, जिसके संतान न हो निसंतान, जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो निस्वार्थ, व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कारण निर्यात, जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित, बिना किसी बाधा के निर्वाध, जो ममत्व से रहित हो निर्मम, जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके निरुपमम, जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक, जिसे किसी चीज की लालसा न हो तो निष्काम, जिसमें किसी बात का विवाद न हो निर्विवाद, जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो निर्विकार, जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज, जिसको भय न हो निर्भय, जो नीति जानता हो तो नीतिज्ञ, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान तो नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला तो नैष्ठिक, जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो तो न्यायिक, ध्रुत दूध घृत दूध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ तो पंचामृत,
पक्षपात करने वाला, पक्षभाती, पदार्थ का सबसे छोटा कौन, परमाणु, जितने की आवश्यकता हो उतना पर्याप्त, महीने के दो पक्षों में एक यानी पखवाड़ा, नाटक का पर्दा गिरता है तो पटाक्षेप या यौनिका पतन, यौनिका पतन, अपनी गलती के लिए किया गया दुख पश्चाताप, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिवरा, पतिवरा, उपाय या मार्ग बताने वाला है पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रदर्शक, अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ तो पथ भ्रष्ट, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, जो भोजन रोगी के लिए उचित है पथ घूमने फिरने या देश देशांतर भ्रमण करने वाली यात्री तो पर्यटक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रय, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता, दूसरे का मुंह ताकने वाला पर मुखापेक्षी, जो पहनने लायक हो परिधेय, जो मापा जा सके परिमेय, जो सदा बदला रहे बदलता रहे तो परिवर्तनशील, जो आंखों के सामने न हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष, दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी, जो पूरी तरह से पक चुका हो यानी या परांगत हो चुका हो तो परिपक्व, पर्दे के अंदर रहने वाली परदानसीन, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली मती तो प्रत्युत्पन्न मती, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी, शरणागत की रक्षा करने वाला तो परनतपाल, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि, जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है तो प्रवर्तक, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो तो प्रसूता, वह आकृति जो किसी चीज से जल आदि में दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबिंब, हास्य रस से परिपूर्ण नाटक परहसन, परमान द्वारा सिद्ध करने योग परमेय, संध्या के बाद वह रात्रि होने के पूर्व का समय तो परदोष या पूर्व रात्र, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु, सभा में विचारार्थ प्रस्तुत बात तो प्रस्ताव, हाथ से लिखी गई पुस्तक तो मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक यानी वेतन सैलरी, जिसका स्वभाव पशु के समान हो पाशविक यानी एनिमल टाइप का हो, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत, जिसमें से आर पार देखा जा सके पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, जो परलोक से संबंधित हो पारलौकिक यानी हेवन में रहता है वो, मार्ग में खाने के लिए भोज पाथे, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव यानी अर्थ लाइक है वो, ज्ञात इतिहास के पूर्व समय तो ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय तो प्रागैतिहासिक, स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप, जिसको देख कर अच्छा लगे प्रियदर्शी, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, बार बार कही गई बात तो पुनरावृत्ति, जिसका पुनः जन्म हुआ हो तो पुनर्जन्म, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, प्राचीन इतिहास का ज्ञाता पुरातत्ववेत्ता, पीने योग्य पदार्थ पेय, पिता एवं पिताओं से संबंधित तो पैतृक, जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो पैतृक संपत्ति, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फटीचर, केवल फलों पर निर्वाह करने वाला फलाहारी, फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु, बुरी किस्मत वाला बदकिस्मत, बुरे मिजाज यानी आचरण वाला बदमिजाज, सूर्योदय से पहले दो घड़ी तक का समय तो ब्रह्म मुहूर्त, जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ, जिसने सुनकर अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो तो बहुश्रुत, समुद्र में लगने वाली आग बरवानल, जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया, बहुत से देवों के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत बहुदेववाद, काफी अधिक कीमत का तो बहुमूल्य, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, रात का भोजन बेयालू यानी रात्रि भोजन, जिस स्त्री के कोई संतान नहीं हुई हो बांझ, खाने का इच्छु भुक्षु,
किसी भव नदी के खंडित होने के बाद बचे भाग, मैंने किसी भवन का टूटा हुआ भाग, तो क्या कहें, भग्नावशेष, भय के कारण बेचैन, भयाकुल, भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्यवादी, जो भाग का धनी हो, भाग्यवान, दीवारों पर बने हुए चित्र, वो भित्ति चित्र, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो, तो भूगर्भवेत्ता, धरती पर चलने वाला जंतु, भूचर, जो पहले था या हुआ, तो भूतपर्व, भूतपूर्व, धरती को धारण करने वाला पर्वत, भूधर, औषधियों का जानकार, तो औषधियों का जानकार, वो औषध नहीं, भेज कहाँ गया, औषधियों जानकार, भेषज, प्रातः काल गाया जाने वाला राग, भैरवी, सूर्योदय के पहले के समय, भोर, भूगोल से संबंधित, भौगोलिक, फूलों का रस, मकरंद, दोपहर का समय, मध्याह्न, सर्दी में होने वाली वर्षा, तो महावट या मावट, हाथी को हांकने वाला, महावत, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला, मनस्वी, जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष, किसी मत का अनुसरण करने वाला, मतानुयायी, दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला, तो मकतरात या यज्ञ रक्षक, जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, महत्वाकांक्षी, जिसको जिसकी बुद्धि कमजोर है, तो मदबुद्धि या मति मांद है, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा, किसी चीज के मर्म का ज्ञाता, मर्मज्ञ, मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्र, मन का असीम दुख है, मन का असीम दुख है, तो मनस्ताप। दोस्तों ये बहुत बड़ा है, तो हम करते क्या है, इसी तरह देख रख देते हैं, आप लोग इसको पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा, तो क्लियर है। तो माह में होने वाला मासिक, तो यहाँ से देखिए, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मुमुक्षु हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले कितना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो नीचे शुरू करते हो तो गया ही है। हित चाहने वाला, हितैषी, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु, युद्ध करने की इच्छा, युत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युत्सु, मरणासन अवस्था वाला, यानी मरने की इच्छुक, तो मुर्मुसु, मरने की इच्छा, मुर्मुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुर्मुक्षु, जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित, खाने की इच्छा, बुभुक्षु, खाने का इच्छा, बुभुक्षा, फल की इच्छा रखने वाला, फलेक्षु, पीने की इच्छा रखने वाला, पिपाक्षु, धन की इच्छा रखने वाला, धनेक्षु, तय कर पार जाने की इच्छा, तो तीर्षा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञाना, ज्ञान पिपासा, जिंदा रहने की इच्छा, जीविसा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, जी घृष्क्षा, भोजन करने की इच्छा, तो जिघत्सा, किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा, किसी को जीत लेने की इच्छा, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिगिक्सु, जीतने या दम मन करने की इच्छा, जिगिक्षा, 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 जानने की इच्छा, जिज्ञासा, कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐसना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा,